ये देश किसी के बाप का नहीं है। जितना हक हमें है, हम लड़कों को है, उतना हक हर लड़कियों को भी होना चाहिए। तो कैसे आप लोग? आज मैं प्रियंका रेड्डी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रियंका रेड्डी एक 27 ईयर्स की एक वेटरनरी डॉक्टर थी, जो कि रात को अपने क्लिनिक से घर वापस आ रही थी। जब वो रात को अपने क्लिनिक से घर वापस आ रही थी, एक सुनसान सड़क पे, अंधेरे रास्ते पे, उसके स्कूटी के पीछे वाला चक्का पंक्चर हो जाता है। जैसे ही उसके स्कूटी के पीछे वाला चक्का पंक्चर हो जाता है, तो वो गैराज में फ़ोन करती है और गैराज वालों को रिपेयर के लिए बुलाती है, फ़ोन करती है। तो होता ही यूँ है कि गैराज वाले को आने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो उसको वहाँ पर अंधेरे में डर लग रहा होता है। तो उसको ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो उसी समय वो अपनी छोटी बहन को फ़ोन लगाती है। वो अपनी छोटी बहन को बार बार एक ही बात बोलती है कि तू मुझसे बात करते रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मुझे यहाँ क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। और उसको बहुत डर लग रहा होता है। इतने में क्या होता है कि अचानक से उसका फ़ोन कट हो जाता है। तो जब अचानक से उसका फ़ोन कट हो जाता है, उसके बाद 2 दिन तक उस प्रियंका रेड्डी का, उस लड़की का कोई अता पता नहीं होता है। उनके फैमिली वाले लोग पुलिस कंप्लेंट भी फाइल करते हैं, बट पुलिस को भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है उससे रिलेटेड, और वो नहीं मिलती। लास्ट 29 नवंबर को एक ब्रिज के नीचे एक डेड बॉडी मिलता है, जो कि पूरी तरीके से जला होता है, और वह कोई फीमेल का होता है। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि ये उसी लड़की का बॉडी है जो 2 दिन पहले गुम हुई थी, प्रियंका रेड्डी, जिसके साथ बहुत ही बदसलूकी से रेप किया गया। पहले तो गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसकी बॉडी को पूरी तरीके से जला दिया गया। मैं बस आज इतना बोलना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कैंडल लेके निकलने से, हमारे कैंडल लेके निकलने से, प्रोटेस्ट करने से, मार्च करने से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं ऐसा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, हमारा लॉ सही नहीं है, हमारा लॉ सिस्टम सही नहीं है। अगर आप मानो, अगर हमारे देश में कोई ऐसा कानून होता, इतना कठोर कानून, इतना इतना हार्ड पनिशमेंट अगर कुछ होता है रेप का, तो कोई रेप करने के बारे में सोचता भी नहीं बिल्कुल भी। उसको करने से पहले, वो करने से पहले भी 10 बार सोचता है। ऐसा 7 साल पहले भी 2012 में न्यू दिल्ली में निर्भया रेप केस जब हुआ था, तब भी लोग ऐसे ही किए थे। वो कैंडल लेके निकले थे, मार्च किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन क्या हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? आज 7 साल बाद फिर से यही केस हो रहा है, यही रेप्स हो रहे हैं। और भगवान ना करे, अगर कोई हमारे, हमने अगर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया, तो आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। इसलिए हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम अपना आवाज़ उठाएं, हम अपना आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। बस ये कहना चाहते कि इन रेपिस्ट के खिलाफ कोई इतना हार्ड लॉ बनाए कि इसको करने से पहले भी वो 10 बार सोचे, 1000 बार सोचे। 1 साल पहले वो निर्भया थी, आज प्रियंका रेड्डी है, क्या पता कल वो आपकी बच्ची हो। तो इसलिए गाइस, प्लीज़ अपने आवाज़ उठाए और डरिए मत। पता होगा सऊदी अरब और चाइना जैसे कंट्री में, वहाँ पे रेप के खिलाफ इतना खतरनाक पनिशमेंट है ना, कि लोग करने से पहले भी ना उसको बारे में सोचेंगे, लोग कर ही नहीं सकते, वो इतना डरते हैं इस चीज़ से। पर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि रेपिस्ट को सज़ा का मिलने के लिए उसको 10-15 साल लग जाते हैं, उसके बाद जाके उसकी फांसी होती है। और यहाँ तक कि 7-8 साल में कोई केस खेल के, पैसा डाल के, घूस खिला के वो केस जीत भी जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है, उनकी सज़ा होती ही नहीं है। मैं ये नहीं समझता, मैं ये नहीं समझ पाता कि क्यों कोई लड़की रात को बाहर ना जाए, क्यों कोई लड़की रात को बाहर जाने से डरे। ये देश किसी के बाप का नहीं है। जितना हक हमें है, हम लड़कों को है, उतना हक हर लड़कियों को भी होना चाहिए। यह राइट उनको मिलना चाहिए। गाइस, आई होप आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, आप लोग अपना ख्याल रहिए और सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।